सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु ने ऐसे एक सुंदर समय हम सबके जिंदगियों में दिया है ताकि हम परमेश्वर को स्तुति और आराधना कर सके, प्रभु का प्रभु के नाम की महिमा दे सके। मैं आपको बोलना चाहते हैं हालेलुया। सब लोग एक बार खड़े हो सके। एबल लंबा है, देख सकते हैं सब लोग खड़े हो गए हैं। सब लोग बैठिए। आपका आश्चर्य हो गया होगा क्यों मैंने बात बोला। पिछले हफ्ते मैंने एक दर्शन देखा, बहुत गहरा दर्शन था। परमेश्वर की आत्मा ने बोला इस संडे चर्च में आके ये बोलना, सबको बोले खड़े हो जाओ, देख लेना कितने लोग खड़े हो जाएंगे। और प्रभु ने बोला उनको बोला बैठना, और प्रभु का आवाज मेरे कान में आए, मैं सब कुछ बोलेंगे। मैंने देखा था अनगिनत लोग, दुनिया का अनगिनत लोगों के बीच में हम खड़े थे। हमारे कलीसिया के लोग भी थे, जुग्गी वाला हर एक जन थे। और परमेश्वर ने मुझे वचन देने के लिए समय दिया उधर अनगिनत लोगों के बीच में। और परमेश्वर ने ये बोला उन लोगों को बोल खड़े हो जाओ। जब मैं देखा था उनसे कुछ लोग खड़े थे, बहुत सारे लोग खड़े नहीं थे। और प्रभु का आवाज मेरे कान में फिर आया, बोल उनको बोल बैठ। और मैंने देखा मैं हमारे कलीसिया के लोग भी मुझे देख अभी हंसा था ना, वैसे हंस रहे थे, ये क्या बात है। और कुछ लोग बैठे बैठा भी नहीं था। और प्रभु ने एक वचन के तरह से मुझे लेकर गया। प्रभु बोला ये वचन आज कलीसिया को बोलना, ये दर्शन का मतलब बोलना, एक जन एक ही बार कड़े हो सके। हालेलुया। अगर आपको कड़े होना, परमेश्वर की आत्मा बोला अगर आपको कड़े होना है तो एक ही बार कड़े हो सके, अगर आपको बैठना है तो एक बार बैठ सकते। हालेलुया। आज मैंने देखा कौन कड़ा था कौन नहीं कड़ा था। हालेलुया। क्योंकि इंसान का आवाज, हम सोचते हैं इंसान की आवाज है, क्यों बातों को मानना है। हालेलुया। तो हमसे कुछ लोग खड़े था, कुछ लोग बहुत सारे लोग खड़े थे, कुछ लोग बैठा था। बैठने के लिए बोला है तो सब में एक हंसी आ गई, यही मैंने दर्शन में भी देखा था। हालेलुया। लोग हंस रहे थे। हालेलुया, क्या बात है। और परमेश्वर ने आत्मा बोला दो बात कलीसिया का सिखाने। हालेलुया। वो दो बातें इधर प्रभु ने बोला, मैंने दो बात आपके कानों में दे रही। पहला बात खड़े होना मतलब रिपेंट, मन फिराओ। हालेलुया। परमेश्वर दुनिया के अनगिनत लोगों को हमसे भी ये बोल रहे मन फिराओ। हालेलुया। कांटे होना मतलब एक बार जिंदगी में एक इंसान अपना मर्जी से इच्छा से करने वाला एक काम है मन फिराना। हालेलुया। कितने लोग खड़े हो गए मुझे पता है, अब परमेश्वर के आवाज को मानने वाला है। हालेलुया। दूसरा बात परमेश्वर ने बोला, दूसरा बात प्रभु ने बोला बैठना मतलब बपतिस्मा ले। हालेलुया। एक जन अकेला बपतिस्मा लेना है, ये नहीं है कोई पास्टर और कोई सिस्टर और कोई परिवार के लोग उनको जबरदस्ती बपतिस्मा के लिए पानी के अंदर डुबा के ऊपर लेके नहीं आ सकते। हालेलुया। प्रभु ने ये शब्द मुझे बोला कलीसिया के, ये दो शब्द सिखाना, उठना और बैठने का मतलब, कड़े होना और बैठने का मतलब। प्रभु बोला मन फिराना और बपतिस्मा लेना। अगर आप इंसान होकर आपको कड़े होना आते हैं बैठना आते हैं, प्रभु बोल रहे
आप क्यों मेरे शब्द को नहीं मानते? मेरे शब्द मन फिराओ और बपतिस्मा ले। मन फिराओ के बारे में परमेश्वर ने मेरे प्रभु को बोला, पिछले कल रात में सो नहीं पाया, कारण ये बात नहीं था, ये दर्शन मैंने पाया था, मुझे लग रहे बुधवार और गुरुवार के बीच में था, प्रभु ने मुझे गहराइयों में लेकर चले गया और मैंने बोले परमेश्वर कहां लेके जा रहे, और प्रभु ने अनगिनत लोगों को ऐसा दिखाया। हालेलुया, प्रभु बोला ये कलीसिया में आज का वचन ये होना चाहिए। और कल रात में क्यों नहीं सोए आपको बोलेंगे, कारण क्या था, मैं भी एक मिशनरी हूँ। मिशनरी मतलब आपको पता नहीं क्या है, मतलब अपना देश छोड़कर, अपना सब कुछ सुख छोड़कर, अपने इच्छा को छोड़कर, अपनी मर्जी को छोड़कर, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु के शब्द में चलने के लिए फैसला रखने वाला एक इंसान को मिशनरी बोलते हैं। मतलब उनको, उनके लिए रिश्तेदार बड़ा नहीं, उनके लिए दुनिया बड़ा नहीं, घर का लोग बड़ा नहीं, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके लिए बड़ा है। क्या शब्द परमेश्वर बोलेगा उसको मानने के लिए एक मिशनरी तैयार है। और मैं कल रात मैं मेरे बच्चे लोगों को भी, उनको मेरे पेट में उल्पन होने से पहले मेरा प्रार्थना यही था, प्रभु मुझे देने वाले बच्चा दोनों मिशनरी बनना है। एक पास्टर बनने के लिए मैंने दुआ नहीं किया और एक इवेंजलिस्ट बनने के लिए दुआ नहीं किया, परंतु मेरी प्रार्थना था वो बच्चे एक दिन आएगा मुझे हमारे परिवार को छोड़कर, ये दुनिया के सुख को छोड़कर, परमेश्वर कहां पर भी उनको लेके जाना चाहते हैं उधर सेवकाई के लिए जाना है। हालेलुया, हर दिन आज भी वो दुआ है दोनों बच्चे के ऊपर। और कल रात ही था नॉर्थ अमेरिका में, उधर रात 9 बजे के समय एक परिवार, मिशनरी परिवार है, 21 साल उसका पिता ने सेवकाई किया, उस सेवकाई के बीज था उनको दिया हुआ बेटा, उनका बेटा 23 साल का है। और जब वो बेटा बाइबल स्टडी के लिए चले गया और परमेश्वर ने उनको एक अच्छे जीवन साथी 2 साल पहले दिया, वो दोनों मिशनरी थे, दोनों हेरी एक जगह है नॉर्थ अमेरिका में, उधर 80% लोग गैंगस्टर्स, गलत काम करने वाला, चोरी करने वाला, मर्डर का खून करने वाला, मतलब बहुत गंदे गंदे लोगों के बीच में वो दोनों जवान लोग। जब वो लोग सिर्फ, वो बेटा डेविड 21 साल का था, वो बेटी 19 साल का था, उनके शादी हो गया, वो दोनों 2 साल से पूरा तरीके से मिशनरी सेवकाई कर रहे थे। कल रात 9 बजे वो गैंगस्टर्स आकर वो लड़का को, वो हस्बैंड को, पति को बांध कर मार मार कर उनको बांध कर रखा और मार मार कर उनका मृत्यु हो गया। और ये लड़की 21 साल का, ये मिशनरी लड़की को, और उनको बचाने के लिए दौड़ कर आया उनका विश्वासी, एक मिडिल एज मतलब 40-45 साल का होगा, उन दोनों को भी शूट करके, गन शूट करके पिस्टल से मार डाल दिया। हालेलुया, मैं पूरा रात में सोने के लिए कोशिश बहुत किया लेकिन मेरे से सो नहीं पा रहे थे। मैंने सोचा हम लोग कितने हमारे सुख को छोड़कर प्रभु ने दिखाने वाला जगह जाएंगे। मैं भी एक मिशनरी हूँ, मैं भी आज, मैंने कभी जिंदगी में कभी नहीं सोचा एक कलीसिया के अंदर एक परिवार में बैठकर परमेश्वर के वचन सिखाने वाला बनेगा, क्योंकि मैं हमेशा मेरा जिंदगी के ज्यादा सेवकाई झुग्गियों के अंदर, सड़कों में और क्या है, बहुत मुश्किल जगहों में सेवकाई किया, हिमाचल में बहुत ठंड के समय में मेरे पास कोई रजाई नहीं था, मेरे पास ठंड का कपड़ा नहीं था, और क्या है, महाराष्ट्र से मेरा सेवकाई शुरू हो गया, उत्तर भारत और भारत के हर एक कोने में प्रभु का सेवा करते आ गया। और मेरा एक ही दर्शन था, अगर मैं सेवा करने है तो उत्तर भारत और दुनिया के कोने कोने में सेवा करना। हालेलुया, हमसे कितना लोग हमारे बच्चे को प्रभु के सेवा के लिए समर्पण करेंगे, हमसे कितने लोग हमारे खुद को, जीवन को प्रभु के सेवा के लिए समर्पण करेंगे।
अमीन हालेलुया। कुछ हाथों को मैं देख रहे हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हालेलुया। सेवा का एक आसानी बात नहीं है, सेवा का ही बहुत मुश्किल बात है। मैं अगर बोलना चाहते हैं, कभी कभी मैं मेरे बच्चे की तरह से देखते हैं, मैं कभी कभी मतलब मैं उनको अच्छी अच्छी खाना खिलाते, मेरे से क्या हो सके, ये नहीं है मैं बहुत पैसा खर्चा करके ऐसा कर, नहीं मैं कुछ भी बनाएगा स्वादिष्ट बनाते हैं। मैं क्यों वो कोशिश करते हैं, मैं सोचते हैं ये बच्चे मेरे पास नहीं रहेंगे, क्या ये सेवा के लिए चले जाएंगे, ऐसे जगह हो जाएंगे उनको खाना भी नहीं मिल सके, क्योंकि मुझे बहुत बार खाना नहीं मिला है, और ऐसे जगह हो जाएंगे उनका रहने का सुविधा भी नहीं होंगे। मैं कोशिश करते अच्छी सुविधा भी उनके रखे, क्योंकि एक दिन आएगा मेरे जीवन में भी अच्छी सुविधा में रहा। मेरे फादर भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज सुपरिंटेंडेंट था, सेवकाई भी करते थे, घर में कोई कमी नहीं था, परंतु जब मैं सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पण किया, मुझे कपड़ा भी एक दो कपड़ा था हालेलुया। ये नहीं मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन उस सब कुछ मैं सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। आज भी मेरा वही है, और मैंने मेरे बच्चे को भी दर्शन डाला है। और मैं आपको बोलना चाहते हैं, हमारे पास कितना समय मेरे बच्चा रहेंगे मुझे नहीं पता, हम कितने पास उनके संग रहेंगे नहीं पता है, लेकिन यीशु मसीह एक जब ओ मतलब साढ़े तीन साल दुनिया में रहा, यीशु मसीह ने अपने जिंदगी के द्वारा ये सिखाया। यीशु मसीह का पहला प्रचार में भी ये दो बात था, मन फिराओ परमेश्वर की तरफ से मोड़, और एक एक जन अपने पापों के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। हालेलुया। अगर हमको पता कैसे कड़े होना, कैसे बैठना, प्रभु बोल रहे अगर मैं आप इंसान को मेरे हाथ से बनाया, आपको पता कहां कड़े होना, कहां बैठना, मेरे शब्द परमेश्वर बोल रहे तौबा कर। दूसरा बात प्रभु के तरह से मोड़। तीसरा बात बपतिस्मा ले, क्या पाने के लिए। महाराष्ट्र से एवल का बहुत सारे दोस्त लोग हैं, जवान लोग, महाराष्ट्र से एक बच्चे ने, बच्चे का मोबाइल है, दोनों का अलग अलग नंबर है, तो मैं कल एवल का व्हाट्सएप कॉल कर देखा, मैं कभी आज तक नहीं देखा, कल मैंने एवल का व्हाट्सएप कॉल आ देखा है, तो मतलब एक वॉइस मैसेज आया है, बहुत सारे मैसेज भी इनका रिप्लाई किया, तो मैं वॉइस कॉल आ है, तो हमारे कलीसिया का लड़का था, तो उन्होंने बोला एबल में क्या है, गिरते हैं उठते हैं, आशीष कभी प्राप्त करते कभी न्याय प्राप्त करते हैं, तो मैं क्या करे, अलग अलग प्रश्न था। मैंने एबल को बोला बेल एबल इसको जवाब मैं दे दूं, हालेलुया। मैं बैठ कर एबल बोला दे मम्मा, तो मैं उनको जवाब वॉइस में भेज दिया। हम लोग सारे बैठा है आशीष पाने के लिए, मैं आपको वजन की तरफ से लेके जाएंगे, प्रभु बोल रहे अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, मैं वो बेटे का वजन तो भेज दिया है, वॉइस भेज दिया। आज भी तक कलीसिया में लोग आते हैं शारीरिक छुटकारा के लिए, बच्चे का चब भविष्य के लिए, हमारा स्थिति बढ़िया होने के लिए, लेकिन मृत्यु के बाद हम कहां होंगे। हालेलुया। जिंदगी चार दिन का है, घास के समान जिंदगी है, अगर हम बहुत फेम हो जाएंगे, बहुत दुनिया भर लोग हमको पहचानेगा, मुझे कुछ लगता नहीं है, मेरा बहुत सारे गवाही दुनिया के अलग अलग कोने में जाते हैं, लोग मुझे हर दिन दुनिया के कोने कोने से फोन करते हैं मेरे साथ जुड़कर प्रार्थना, मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि मुझे एक पता मैं घास के समान। हालेलुया। अलग अलग कलीसिया वचन देने के लिए बुलाते हैं, मैं हमेशा ये रखते हैं मतलब मोबाइल के द्वारा जूम के द्वारा वचन देते, लेकिन मुझे एक पता है हर एक बात का हिसाब मुझे देना पड़ेगा। हालेलुया। हम कौन है, क्या है, हम क्या मकसद के लिए दुनिया में आया है। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो मैं एक वचन के दर्शन को लेके जाएंगे, और दर्शन के साथ प्रभु ने दिया वचन, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 17 से लेके हैं, अगर टाइम कम है तो आगे का वचन को पढ़ सकते हैं। हे भाइयों, अब मैं जानता हूँ कि जैसे अनजानों में तुमने वैसा किया, वैसे ही तुम्हारे नेताओं ने भी किया।
परमेश्वर ने अपने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही कलवा दिया था कि उसके मसीह को यातनाएं भोगनी होगी। उसने उसे इस तरह पूरा किया। इसलिए तुम अपने मन फिराओ और परमेश्वर की ओर लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप धुल जाए। 21 उसके किस वजन बढ़ लीजिए। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार कर न ले। ओके, अभी 22 वजन। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा एक भविष्यवक्ता ठहराएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा, और शामिल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले उन सब ने उन दिनों का संदेश दिया। थैंक यू। अगर बहुत सारे वचन है तो हमारे पास टाइम कम है, तो मैं जल्दी वचन को बोलना चाहते हैं क्या प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप कहां बैठते हैं, थोड़ा ध्यान से अपने आप को और परमेश्वर को देख लीजिए। हालेलुया। साथ बैठने वाला वचन कौन दे रहे हो नहीं देख रहे, क्योंकि परमेश्वर माध्यम को उपयोग करते हैं। गदा को परमेश्वर ने उपयोग किया, बिलियम गलत किया, बिलियम को सीधा करने के लिए परमेश्वर ने एक गदा को इस्तेमाल किया। गदा इंसान की आवाज में बातचीत किया, गदा को आंग खुल कर स्वर्ग दूत को देखा। हालेलुया। किसको कान है वो सुने क्या परमेश्वर के आत्मा से कहना चाहते हैं। परमेश्वर के आत्मा आत्मा ये बोल रहे, मन फिरावो परमेश्वर। पहले बात प्रभु की तरफ से मोड़ने के लिए क्या करना है, मन फिराना है। अगर मन नहीं फिराएगा, अपने गलतियों का अंगीकार नहीं करेंगे, प्रभु की तरफ से मोड़ नहीं पाएगा। जब तक प्रभु की तरफ से मोड़ नहीं होते हैं, हम बैप्तिस्मा ले नहीं सके। हालेलुया। बैप्तिस्मा मतलब क्या है, हमारे पाप वाला जीवन से हम परमेश्वर को बोल रहे, प्रभु आगे को मैं पाप नहीं करेगा, मैं पवित्रता से जीवन जिएंगे, मैं ईमानदारी से जीवन जिएंगे, मेरा जीवन आपका है। हालेलुया। मैं मरने से नहीं डरते। सुसमाचार के लिए जब जेल के अंदर चले गया, मेरे पास एक टीम था, टीम चलाते थे मैं, लड़की लोग का टीम, सारे रो रहे थे, लेकिन मेरा दिल के अंदर परमेश्वर का वचन प्रभु ने लिख के दिया। हालेलुया। क्योंकि क्लेश के वक्त आज हमने गाना बहुत सुना, मतलब क्या है वो गाने का, मैं मनन कर रहे थे गाने को, वो गाना आराधना में हुई था, प्रभु में डरेगा नहीं क्योंकि प्रभु मेरे साथ थे। हालेलुया। कल रात तो मृत्यु हो गया, उसको बांध कर 23 साल का डेविड को बांध कर मार मार कर मार डाल दिया। हालेलुया। उसका पत्नी वो देख रहे थे, 21 साल का पत्नी, वो सारे गैंगस्टर्स आकर उसको और उनका सेवगाई का भाई को क्या है गन शूट करके मार डाले। जब हमारे जिंदगी में भी समय वक्त आते हैं, कितना लोग सच मुच में बोल सकते प्रभु में नहीं डरेगा। हमको सोचने की बात है। मैंने एक बातों में मैंने वो मेरा फेसबुक में शेयर किया है, हेरी ओ मतलब जगह है नॉर्थ अमेरिका का, मैं एक बोलना चाहते हैं, हम लोग दुआ करना। बहुत सारे लोग हेरी ओ जगह को नहीं जानते थे, बहुत सारे गैंगस्टर्स, बहुत सारे लोग प्रभु को नहीं जानते, गलतियों में चलते हैं। अभी उनका समय है, अंतिम समय में हम खुद मन फिराए, प्रभु के दर से मोड़े, बपतिस्मा ले और ऐसे लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करें। हालेलुया। इधर परमेश्वर की आत्मा ये बोल रहे हैं, यू एक्टेड इन इग्नोरेंस। परमेश्वर पहली बात बोल रहे हैं, आपने अनजानी से
मतलब आपको पता नहीं था, इसलिए आपने ऐसे काम किया है, गलत किया है। मैंने बोला खड़े हो जाओ, उचलो तो ज्यादा लोग खड़े हो गया है, हालेलुया। बैठने के लिए बोला तो मैंने दर्शन में देखा इससे लोग हंस रहे, हालेलुया। मुझे आश्चर्य नहीं था क्योंकि परमेश्वर ने बोला वो कर लो, क्योंकि दिस डेमोन्स्ट्रेटिंग, प्रभु बोला वो ये लोग भूलेगा नहीं, आज क्या किया भूलेगा नहीं, उनको बोले ये बातें मन फिराना, प्रभु की तरफ से मोड़ कर बैप्तिस्मा लेना है। और परमेश्वर पहली बात ये बोला मन फिराओ, प्रभु की तरफ से मोड़, और तीसरा बात बैप्तिस्मा ले। देन वही वजन हम पढ़ेंगे 18 वजन, उसका 18 वजन 18। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था, 17 से पढ़ लीजिए। भाइयों मैं जानता हूँ कि ये काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उनसे इस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ और तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, आगे जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रमित के दिन आएं, और वह यीशु को भेजे। थैंक यू। इधर परमेश्वर के वचन इंग्लिश में लिखा है द रिफ्रेशिंग विल कम अपॉन यू। अगर हम मन फिराएगा, प्रभु की तरफ से मोड़ेगा, बैप्तिस्मा लेगा, सच्चाई के जीवन जिएगा, प्रभु बोल रहे समय आएंगे आपके जिंदगी में परमेश्वर आशीषों को उंडेलने वाला दिन आएगा, हालेलुया। आशीष के पीछे दौड़ने का जरूरत नहीं, छुटकारे के पीछे दौड़ने का जरूरत नहीं, पहले परमेश्वर के याच और परमेश्वर के धार्मिकता का खोज में रहो, बाकी सारी बात आपके पीछे आते रहेगा, हालेलुया। और यीशु परमेश्वर का मसीहा, मसीहा ओ मसीहा क्या करेंगे, सारे हर एक बात सुधार में लेकर आएंगे, हालेलुया। आप सोच रहे इट विल नॉट बी रिस्टोर्ड, सुधार में नहीं आएंगे, स्थिति बदलेगा नहीं, प्रभु बोल रहे टूटा वाला स्थिति को मैं बदलने वाला, टेढ़ा स्थिति को सीधा करने वाला, और गहरा गट्टाई मतलब है, ओ गट्टी स्थितियों को प्रभु ऊपर उठाने वाला परमेश्वर, पहाड़ वाले परेशानियों को परमेश्वर नीचे करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। और खाना बरेगा दगला परमेश्वर की आत्मा एक एक को देखकर बोल रहे मन फिराओ। दूसरा तिमोती 1:7 में लिखा है हमारा जीवन में परमेश्वर ने डर का आत्मा नहीं दिया, प्यार की आत्मा दिया, सेल्फ डिसिप्लिन खुद का अनुशासन का आत्मा दिया। कितना लोगों खुद का अनुशासन है, हालेलुया। एक डंडा दिखाएगा, डंडा से एक अच्छे मार दिएगा तो बच्चे को अनुशासन आते, बड़े को कौन डंडा मारेगा, हालेलुया। इधर बैठने वाले बड़े को कौन डंडा मारेंगे, हम लोग सारे बैठाए दो दो चड़ी पकड़कर बच्चे को मारने के लिए, बच्चे को पता है किसके हाथ में चढ़ी उनको पता है, हालेलुया। अगर अक्सा और इंदू दीदी के हाथ में चढ़ी देखेगा बच्चा सुधार में बैठते है, हालेलुया। मेरे हाथ में इतना नहीं चलते, हालेलुया। लेकिन मेरे बच्चे को पता है अगर मेरे हाथ में कुछ चढ़ी देखेगा उसको पता है उसका ताकत कितना, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा बोल रहे हमारे जीवन में खुद को हमारा स्वयं अनिश्चय में आना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा, प्रभु की तरफ से मोड़ना पड़ेगा, बैप्तिस्मा लेकर पवित्रदाई ईमानदारी सच्चाई और परमेश्वर के डर के आत्मा में चलना पड़ेगा, हालेलुया। इधर वचन कहते हैं That he may send Messiah who has been appointed for you. परमेश्वर बोल रहे आपके लिए मसीहा को परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया। मसीहा मतलब छुटकारा देने वाला, प्रभु बोल रहे आपके छुटकारा के हाथ में है, क्यों हम छुटकारा नहीं आ रहे, प्रभु बोल रहे
प्रभु के समय के लिए विश्वास के साथ अटल रही, ये नहीं हिलके हिलके जलने। हालेलुया। अगर हमने एक रास्ता पकड़ा यीशु ही मार्ग। हालेलुया। संडे स्कूल में कौन है हमारा मार्ग? हमारा मार्ग कौन है? यीशु। यीशु ही मार्ग है। अगर वो ही मार्ग पकड़ा है तो वो मार्ग पवित्रदायक मार्ग है, वो मार्ग सच्चाई का मार्ग है, वो मार्ग ईमानदारी का मार्ग है, वो मार्ग वचन का मार्ग है। हालेलुया। वो मार्ग में चलेगा हमारे जिंदगियों में। प्रभु क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर ही विल ब्रिंग रेस्टोरेशन इन एवरीथिंग। वचन लिखा है हर एक बात में छुटकारा मिल जाएंगे। हालेलुया। इधर 22 आयत में लिखा है मूसा ने क्या बोला? परमेश्वर ने आपके लिए एक, परमेश्वर ने मेरे समान आपके बीच में एक भविष्यवक्ता को खड़े किया। यू मस्ट लिसन टू एवरीथिंग ही टेल्स यू। भाई साहित में लिखा है वो क्या कुछ आपसे बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिए और करे। हालेलुया। इधर ध्यान से सुनना भी मुश्किल बात है। इधर बैठेगा तो हमारे मन करते हैं दो बार जाके पानी पी के चार बार मतलब वॉशरूम बाथरूम जाके आए। पिछले हफ्ते मेरे बच्चे लोगों को बोला अपने अपने घर से एक एक काली बोतल लेकर आओ। हालेलुया। पानी भर के अपने अपने जगह पर रख, ज्यादा प्यास लगेगा तो पी ले। ये बार बार उठ के जाया वापस आने अच्छा नहीं है। किसके उपस्थिति से जा रहे? हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति है। और परमेश्वर बोल रहे हैं परमेश्वर ने अभी मूसा को वापस नहीं भेजेगा, यीशु मसीह को वापस नहीं भेजेंगे, उसके स्थान पर एम्बेसडर्स, वी आर द एम्बेसडर्स। परमेश्वर ने हमको क्या बोलते हैं एम्बेसडर को? प्रतिनिधि, राजनिधि। परमेश्वर हमको राजनिधि करके इधर रखा है। हालेलुया। हम यीशु का मतलब मलयालम स्थानापति, हम यीशु मसीह के स्थान पर है आज ही दुनिया में। यीशु क्या बोलना हमसे बोलना परमेश्वर चाहते, यीशु क्या करना वो हमसे करना चाहते हैं, यीशु क्या सोचते हैं, यीशु का स्वप्न को दर्शन को दुनिया में पूरा करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। और हम हमारा स्वप्न पूरा करने के लिए दुनिया में जीते हैं। हम हमारे इच्छा को पूरा करने के लिए बच्चा पैदा हो जाते हैं तो हम सोचते हैं अगर वो अच्छी पढ़ाई करते हैं उसको क्या करेंगे, मेरा स्वप्न में लेकर आई। मेरे प्रभु को बोला मेरे बच्चे कितने भी पढ़ा लिखाई हो जाए वो सेवा करने, दोनों को मैंने यही बोला आप कितना भी पढ़ाई करें कितना भी आगे बढ़े आप दोनों का मकसद और इनके जीवन साथी के लिए मैंने इनका जन्म से पहले दुआ करते। हालेलुया। मैं बोलते परमेश्वर कहां पर भी हो उनको सेवक बना दीजिए, उनको पवित्र रखिए, शुद्ध रखिए। हालेलुया। साफ रखिए। हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन तक पीढ़ी के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ये नहीं सोचना मतलब हमारी जिम्मेवारी है माँ बाप का, अभी बच्चा है नहीं है कोई बात नहीं, दुआ करना शुरू करे। और परमेश्वर का वचन में लिखा है परमेश्वर बोले ध्यान से हर एक बात, कोई भी आपको वचन देगा उस सुनिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनेगा आपके अंदर मन फिरावाएगा, आप प्रभु की तरफ से मोड़ेगा, आप बपतिस्मा लेंगे, पवित्र के जीवन जिएगा सही समय पर। क्या आशीष प्रभु ने आपके लिए रखा है वो आशीष प्रभु आपको देने वाला है। उसका 23 आयत में लिखा है एनीवन हु डज नॉट लिसन टू हिम विल बी कट यू नो कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द पीपल। इधर लिखा अगर कोई परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनेगा, परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, मन नहीं फिराएंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे, परमेश्वर के रास्ता में नहीं चलेगा, प्रभु बोल रहे हैं आपका लोगों के बीच से प्रभु आपको निकालेंगे, मृत्यु दंड आएगा। हालेलुया। मुश्किल है सबको हालेलुया बोलना। हालेलुया। मृत्यु दंड अच्छा नहीं लगता लेकिन मृत्यु दंड के बाद कहां जाएगा सोच समझ कर जिए। हालेलुया। वचन बोलने वाला मेरा भी ये श्वास आज बंद हो जाएगा, मुझे पता है मैं कहां जाएगी। एबल ने मुझे बोला
मम्मा मेरे से उनके सेवकाई के बारे में चर्चा की, यही तो बोले ऐसा जगह बड़ा खतरनाक जगह पर प्रभु की सेवा के लिए पहले भी इनके दर्शन है। वो बोले आज भी बोले उधर जाना, मैं बोले एक सोच कर चलना, एक बार जाएगा वापस जिंदा आएगा ये नहीं सोचना, प्रभु चाहे वापस आएंगे नहीं तो स्वर्ग में मिलना है। हालेलुया, ये सोच कर चलना। मैं भी मेरा छोटी बचपनी में जब मैं उत्तर भारत के लिए सेवगा में आया, हर पल मेरा माँ को जब मैं बाई बोलते हैं टाटा बोलते हैं, मैं ये शब्द आखिरी बोलते हैं, माँ अगर प्रभु चाहे हम दुनिया में मिलेगा नहीं है तो स्वर्ग में मिलेंगे। हालेलुया। एक दिन मेरा माँ का फोन आ गया, मेरे पास तो फोन नहीं था उस समय, तो माँ मतलब किसी पड़ोसी में मेरे भाई ने फोन करवाया, माँ ने देखा गन शूट करके मेरा पूरा मतलब शरीर दिख नहीं सकते, इसलिए मतलब सप्ताह में मैं खत्म हो चुका था। माँ बोले बेटे मैंने ये दर्शन देखा मैं बड़ा परेशान है, और मैंने उनको बोला माँ मैं हर समय ये तैयारी है अगर मेरा मृत्यु कभी भी हो जाएगा हम स्वर्ग में मिलेंगे। हालेलुया। मेरे बच्चे को भी मैं बोलते हैं आप सेवा के लिए निकलो, दुनिया के कोई भी जगह पर आप जाओ लेकिन ये नहीं सोचना दुनिया में हम आपस में मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा तो हम स्वर्ग में मिल पाएंगे। हालेलुया। ये दृढ़ता के साथ, ये दृढ़ विश्वास के साथ हमको खुद भी जीना है, हमारे परिवारों को भी हमको तैयार करने का जरूरत है। इधर 25 आयत में लिखा है, गॉड सेड टू अब्राहम थ्रू योर ऑफस्प्रिंग ऑल पीपल ऑन द अर्थ विल बी ब्लेस्ड। परमेश्वर ने अब्राहम को ये बोला आपके पीढ़ी के द्वारा ये दुनिया के लोग आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। अगर हम खुद में दुनिया के लोगों के लिए आशीष नहीं है फिर हमारे पीढ़ी कहां आशीषित हो जाएंगे। अगर कोई शादीशुदा भी नहीं, अगर शादीशुदा होकर भी अभी बच्चा नहीं है तो चिंता मत कर, खुद हमको ये करना है प्रभु मुझे अभी मैं आशीषित होना है। कैसे आशीष? दूसरे के लिए यीशु का सुगंध मुझे देना। हालेलुया। आप करते रहो समय आएगा आपका पीढ़ी आपसे डबल करेगा। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा, अगर आप अच्छा करेगा आपका पीढ़ी डबल काम अच्छा करेगा, आप बुरा करेगा आपका पीढ़ी डबल बुराई में जाएंगे। हालेलुया। माँ बाप का सुधरने का समय, बच्चे को डांट कर कुछ नहीं होता, हम माँ बाप सच्ची जीवन चले अग्निमय आंग के सामने, हम पवित्रता ईमानदारी और हमारे जीवन सच्चाई में चले ताकि दिन आएगा हमारा पीढ़ी डबल परमेश्वर के लिए उपयोगी हो जाएगा। हालेलुया। और इधर 25 आयत में परमेश्वर ने अब्राहम को बोला आपका पीढ़ी पूरा दुनिया के लिए आशीषित हो जाएगी। हम इधर आते हैं प्रभु मुझे आशीष चाहिए, मेरा पीढ़ी आशीषित हो गया, एक घर बन गया तो आशीषित हो गया। हालेलुया। बड़ा गर्मी भी ऐसी है तो हम लोग आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन ये सारी एक चमड़ा का आशीष है। हालेलुया। ये चमड़ी क्या है ना, ये स्किन, ये मतलब झुग्गियों में हम सेवा करते हैं, मच्छर बहुत काटते हैं। हालेलुया। मेरे एक दोस्त आ गया झुग्गी में सेवा करने के लिए, वो दौड़ गया, बोले मच्छर बहुत काट रहे अभी आगे घरों में नहीं जाना। हालेलुया। क्योंकि मच्छर हजार हजार मच्छर हम पर काटते रहते हैं, लेकिन हमारे परिवार ये सारे परिवार ऐसे जगह रहकर इधर समय पर चर्च में 10 बजे बोलेगा तो 9:30 बजे तक इधर आकर बैठते हैं। हालेलुया। प्रभु इनके इनाम देंगे और हम लोग लेट आने वाला का इनाम देंगे। हम समय पर प्रभु को उपस्थिति में आना चाहिए। 26 आयत में लिखा है When God has raised up his servant, you know, इधर लिखा है He sent him, He sent him, परमेश्वर किसी को कड़ा करेगा तो प्रभु, हालेलुया, परमेश्वर क्या करेंगे, पहले उनको आपके पास भेजेंगे। हालेलुया। अगर हम लोग अलग अलग जगह से आया है, आपके पास आया है, अलग अलग झुग्गियों में अलग अलग जगह पर सेवा करके आपके पास आया है, प्रभु हमको खड़े किया इसलिए आपके पास आया, एक दिन आएंगे परमेश्वर
अभी भी परमेश्वर तैयार है आपको कड़ा कर कर किसी के पास भेजेगा। हालेलुया। और परमेश्वर दूसरे बात बोल रहे हैं, ये परमेश्वर तीसरे बात है टू ब्लेस यू बाई यू नो टर्निंग ईच ऑफ यू फ्रॉम योर विकेड वेज। अगर ये वजन आप 26 वजन हिंदी में पढ़ लीजिए, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। देखो ये तो परमेश्वर बोल रहे हैं बुराई से। परमेश्वर ने वचन क्यों भेजते हैं हमारे पास? परमेश्वर बोले पागल है आपका, बुराई से आपका मोड़ना पड़ेगा फिर आप आशीष हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आशीष देना चाहते हैं, कान किसका कान है ओ सुने क्या परमेश्वर के आत्मा आपसे कह रहे। प्रभु ने दिया दर्शन के अनुसार में बात कर रहे। हालेलुया। प्रभु ये बोल रहे इधर लिखा है यू हैव टू टर्न फ्रॉम योर विकेड वेज, आपके दुष्ट रास्तों से, इंग्लिश में लिखे दुष्ट रास्ता बुरा रास्तों से आपका मोड़ना पड़ेगा। फिर परमेश्वर बोल रहे देन आई विल ब्लेस यू, फिर मैं आपका आशीषित करेगा। हालेलुया। मैं दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ने के लिए बोला था, वो वचन में लिखा है हमको सेल्फ डिसिप्लिन स्वयं अनुशासन होना चाहिए। सुबह कब उठना है, सुबह उठकर एकदम क्या करना है, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना। हमारे घर में बिना वचन पढ़ के प्रार्थना करके कोई बाहर नहीं निकलते। हालेलुया। स्कूल जाने वाला भी हो उसके वचन पढ़ के नहीं तो बाइबल लेके स्कूल जाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रार्थना करना पड़ेगा, खाना तो बाद की बात है। हालेलुया। दूध नहीं पिए कोई बात नहीं, खाना नहीं खाए कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को मनन करना चाहिए। ये शरीर मिट्टी मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर आशीषित बनाने के लिए क्या करना है, कान खोल के सुने, अपने अपने गलतियों से मन फिराओ, प्रभु यीशु के दर से मोड़, बपतिस्मा ले, सच्चाई के जीवन चले। समय आएगा आपके ऊपर बारिश, आशीष का बारिश कुंडे लेगा। हालेलुया। हालेलुया बोले बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। आशीष का बारिश मतलब क्या होते हैं, एक बूंद गिरकर बारिश बंद हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता, दो बूंद बारिश गिरकर मी गिरके अब बिंदु हो जाएगा अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर एक मीठी बारिश आए, हालेलुया, अच्छी बारिश आए, वाह मजा आते हैं। हालेलुया। हम सारे सोच थोड़ा बाहर दौड़ जाए, बच्चे सारे नहाने के लिए जाते हैं, बेड़े सारे बारिश में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु बोल रहे अगर आशीष पाने के लिए पूरा तरीके से मन फिराओ, ये नहीं है शाम को कोई नहीं देख रहे, पास भी नहीं कोई भी नहीं, एक मालदार चक्के, ये नहीं है कोई नहीं देख रहे, ये मोबाइल में कुछ गलत देखे। हालेलुया। कोई तो नहीं देख रहे। हालेलुया। मैं अकेला देख रहे। और हमारे खुद आंग से पाप करे, खुद सोच से पाप करे, खुद शरीर से पाप करे, मन फिराना मतलब मन फिराना। वचन बोलते हैं बुलाया हुआ लोग बहुत हैं, चुना हुआ कम है, वफादार लोग उससे भी कम। हालेलुया। स्वर्ग जाने वाला सिर्फ वफादार है। हालेलुया। कलीसिया में भी वफादारी से आ जाओ, जिंदगी भर परमेश्वर के साथ वफादारी के जीवन में जीना चाहिए। व्यवस्था की किताब 18:15-18 और प्रेरितों के काम 7:37 में इधर सारे लिखा है। परमेश्वर बोल रहे परमेश्वर ही बोल रहे उधर बोल रहे मैं किसी को कड़े किया है। और प्रेरितों के काम रसूल की किताब 7:37 में लिखा है आई पुट माई वर्ड्स इन हिज माउथ। परमेश्वर बोले अगर मैं किसी को कड़े करेगा उनके मुंह में मैं मेरे वचन को डालते हैं। ये नहीं सोच रहे कोई इधर कड़े होकर अपने मन मर्जी वजन दे रहे, ऐसा देने वाले होंगे, लेकिन मैं बोल रहे एक शब्द प्रभु ने मुझे बोला तुरी के समान आपका आवाज को ऊंचा करना। हालेलुया।
प्रभु बोला तुरी के समान अपना आवाज को ऊंचा करके मेरे लोगों को अपने पापों से गुना से मोड़ कर मेरे तरफ से आने के लिए उनको समझ आऊ। हालेलुया। हम खुद को सोचना हमारा सेल्फ स्वयं को ऊपर परमेश्वर के अधिकार शक्ति आना चाहिए। हम सेल्फ डिसिप्लिन स्वयं अनुशासन में आने के लिए हमारा सोई के ऊपर सोई बोलते हैं ये मोबाइल 24 घंटे चला के बैठे रहो। हम बोलते नहीं। सोई बोलते हैं बाइबल वचन नहीं पढ़ना, ये वचन के अनुसार नहीं चलना। उसको हम लोग कुचलना हमारा अंदर परमेश्वर की आत्मा की शक्ति के द्वारा। सोई बोलते हैं ज्यादा सोते रहे प्रार्थना कम करें। वो सोई को परमेश्वर की शक्ति के द्वारा हमको बसम करना है। हम यीशु के समान जीवन में आना है। परमेश्वर ये बोल रहे हैं, मैं बंद करना चाहते हैं, इधर लिखा है आई पुट माई वर्ड्स इन हिज माउथ। परमेश्वर बोल रहे हैं मैं मेरा शब्द को वचन को उनका मुंह में डालेगा। He will tell them everything I commanded them. परमेश्वर बोले मैं क्या कुछ आज्ञा दिया वो आपको बताएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञाओं को बताएंगे। क्या परमेश्वर का आज्ञा है? Repent, मन फिराओ। दूसरा आज्ञा है Turn to God, परमेश्वर तरह से मूड। तीसरा आज्ञा है Be baptized, परमेश्वर बोले baptism ले। और 14 बातें परमेश्वर बोले मैं कैसे पवित्र है वैसे आप भी पवित्र बनो। और परमेश्वर बोले मैं कैसे वफादार है वैसे आप भी वफादार बनो। और परमेश्वर बहुत सारी बातें इधर लिखा है। प्रभु बोल रहे मैं कैसे सच्चा परमेश्वर है, मैं हूँ सच्चाई। यीशु मसीह ने बोला, प्रभु बोल रहा सच्चाई में जीवन चलाए। हालेलुया। और परमेश्वर बोल रहे हमारा ईमानदारी बाहर से नहीं परंतु भीतर से होना चाहिए। हालेलुया। भीतर से ईमानदारी है तो क्या हो जाएंगे, हम हमेशा ईमानदार रहेंगे, हमेशा वफादार रहेगा। लेकिन हम बाहर से ईमानदार है तो कोई हमारे जान पहचान के लोग देखेगा तो बड़ा ईमानदार है। हालेलुया। कलीसिया में बड़ा ईमानदार है, नहीं तो हमारे शनिवार प्रार्थना में ईमानदार है, मंगलवार के बाइबल स्टडी में ईमानदार है, नहीं तो हमारे अलग अलग मीटिंगों में ईमानदार है। प्रभु बोले हमारी ईमानदारी भीतर से होना। अगर हम कलीसिया में आए नहीं आए बीच बीच का मीटिंग में, लेकिन परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया। हमारे आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ जुड़ना चाहिए। रिखाना बराबर दो बात परमेश्वर ने बोला, वापस सबको बोलना चाहते हैं। प्रभु बोला कड़े हो जाओ बैठो। क्या कड़े होना? कड़े होना मतलब मन फिराओ, बैठना मतलब प्रभु में बैठना, बैप्टिस माने। हालेलुया। मूड कर बैप्टिस माने। आइए हमारे अंगों को बंद करेंगे, हर एक क्षण अपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कीजिए। रिखाने बरेगा। अनगिनत लोगों को मेरे दर्शन में मैंने देखा, वो दर्शन में परमेश्वर बोला वचन दे। रिखाने बरेगा। जब वचन की बात आ गया, सुनने वाला वो दे अनगिनत दे, लेकिन परमेश्वर में चलने वाला बहुत कम लोग दिखाई पड़ा। और बनरेगा हमारे कलीसिया के लोगों को भी मैंने वो दर्शन में देखा। हमारे कलीसिया के लोग अनगिनत लोगों में थे, लेकिन बातों में मानने वाले कम थे। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन सुनकर उसको मिट्टी में छोड़ कर जाने वाले थे। रिबन हतर अपने दिलों में वचन को कौन लेंगे, कौन मन फिराएगा? और रिबान हतना रेगा दगला, कौन परमेश्वर के दर से पूरा तरीके से मोड़ेंगे? आधा मोड़ना नहीं, थोड़ा मोड़ना नहीं, पूरा मोड़कर बपतिस्मा के लिए, पवित्रता के जीवन के लिए, ईमानदार जीवन के लिए, वफादार जीवन के लिए अपने जीवन को समर्पण करेगा। और रिबान का हतना रेगा दगला, और रिबान रेगा दगला। प्रभु की आत्मा हम सबको देख रहा है, उसके अग्नि मयांग हमको देख रहा है। हमारे जीवन को समर्पण कीजिए। प्रभु के आगमन बहुत जल्दी है, हमारा मृत्यु का दिन निकट है। हालेलुया। ये नहीं सोचना दुनिया में हमेशा के लिए जिएगा, ये दुनिया को छोड़कर एक दिन जाना पड़ेगा। और बनरेगा दगला, हम सोचे वाला दिन नहीं होंगे, हमने तैयार किया वाला दिन नहीं होंगे। अनएक्सपेक्टेड
हम नहीं सोचा दिन ये दुनिया से जाना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले सोच लो हमारा मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे, सदीप करके जीवन कहां जिएंगे। और रिबन हतना रेगदगला कलीसिया के लोगों, किसको काने सुने मन फिराओ, प्रभु के तरफ से मोड़ बपतिस्मा ले, यीशु मसीह का जीवन में जीवन लेकर जीवन में जीवन जीने का सीख। हालेलुया, वचन हमारे हाथ में है, वचन हमारे दिल के अंदर लेकर आओ, वचन हमारे घर में है, वचन को हमारे आत्मा के साथ जुड़ना सीखो। हालेलुया, वचनों में चलकर परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार हो जाइए। बहुत सारे लोगों को न्याय के लिए तैयार करने के लिए परमेश्वर को मदद करिए। प्रभु कितना लोग वचन सुन रहे, पर कितना वचन सुना है, हर एक के जिंदगियों में परमेश्वर आत्मा कार्य करने के लिए प्रार्थना। हमसे कोई भी नाश नहीं होने परंतु आनंद गल के जीवन में प्रवेश होने के लिए मदद कीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम पर एक आशीष देगा प्रार्थना, हमारी उद्धार करते यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन।